एक्सक्यूज मी मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, मैंने आपसे क्विज के दो क्वेश्चंस के बारे में पूछना था। मैं पूछ लूँ अभी जी जी पूछ लें। मैम? एक क्वेश्चन था कि फॉलोइंग स्टेट में से कौन सी स्टेटमेंट थी कि प्रिंसिपल क्या है रिगार्डिंग वायरल न्यूक्लिक एसिड, और इसकी करेक्ट ऑप्शन थी सम वायरसेस कंटेन अ सेगमेंटेड जीनोम। तो मैम जी ये थोड़ी आप एक्सप्लेन कर दें अगर। अच्छा जी, इसकी ऑप्शंस जो थी, वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, ठीक है। अगर उसको हम ऑप्शंस को, तो रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। आपने इसमें से बेस्ट वन चूज करनी थी। फिर इसमें ये था कि वायरस जीनोम जो होता है वो सिमिलर होता है उसके वायरस, ह्यूमन वायरस के, ठीक है, तो वो भी उसमें जी रॉन्ग है। प्यूरिफाइड न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो इन्फेक्शियस कैसे हो सकता है जब उसको हमने बिल्कुल प्यूरिफाई कर लिया है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि हॉल वायरसेस में क्या होता है कि उनका जो पैथोजेनिक पार्ट जो होता है जस्ट वो डिजीज कॉज कर सकता है। जस्ट एक वायरस का न्यूक्लियस उसको हमने प्यूरिफाइड कर लिया, उसमें से हमने उसका पैथोजेनिक पार्ट रिमूव कर दिया है, तो कैसे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और हमें पता है कि वायरसेस के जो जीनोम जो होते हैं वो सेगमेंटेड भी होते हैं, कुछ नॉन सेगमेंटेड भी होते हैं, ये आपके स्लाइड्स में भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो जी उनमें से मैम। बेस्ट ऑप्शन जो है वो यही है, क्लियर। तो मैम ये फिर आरएनए डीएनए वाली क्यों नहीं हो सकती? ठीक, मतलब और ये भी पता तो बात ठीक है। है आरएनए और डीएनए होता तो फिर था, एंड नहीं है बहुत, तो एक वायरस में क्या जी जी आरएनए जी डीएनए दोनों, ठीक ठीक है है, ठीक है। ठीक है, और मैम ये एक क्लियर। और थी कि हाँ जी, एक ये वाली थी कि द जीनोम ऑफ सर्टेन वायरसेस आफ्टर एंटरिंग इन द होल सेल रेडी टू मेक देयर प्रोजेनी वायरसेस इन रिस्पेक्ट टू दीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फुलफिल्स द नीड ऑफ वायरस। तो इसका सॉरी, आप बता कौन देंगे सा आप कह रहे हो? मैम? ये वाला द जीनोम ऑफ सर्टेन वायरसेस आफ्टर एंटरिंग इन द होल सेल रेडी टू मेक द प्रोजेनी वायरसेस इन रिस्पेक्ट टू दीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फुलफिल्स द नीड ऑफ वायरसेस। एक मिनट, एक तो वायरस मॉर्फोलॉजी है, वायरल प्रॉपर्टीज हैं, जीनोम ऑफ सर्टेन वायरसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा ठीक है। अच्छा, जीनोम आफ्टर एंटरिंग हाउस रिपेयर मेक द प्रोजेनी वायरसेस इन रिस्पेक्ट टू दोस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फुलफिल द नीड ऑफ वायरसेस। तो बेटा देखे ना, दे अगर नेगेटिव प्लेरिटी होती है, ठीक है, तो हमें नेगेटिव का यही था कि वो फॉरन से जो होता है वो अपनी प्रोजेनी नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले जो होता है उसको कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव प्लेरिटी में और देन वो अपनी नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम जी जिनका आरएनए जीनोम जो होता है पॉजिटिव प्लैरिटी में होता है, तो फौरन से वो अपनी प्रोटीन्स बना के तो अपनी प्रोजेनी बना लेते हैं, ठीक है। और एक ठीक है ऑप्शन थी कि ठीक है रिस्ट्रिक्टेड जीनोम जो डबल स्ट्रैंडेड, वो तो हमें क्या पता है कि वो डबल है या सिंगल है ना, जी। वो हमें भी ये पहले पता होगा पॉजिटिव में और फिर है बनेगा। या नॉन सेगमेंटेड है, ठीक है, क्लियर। ठीक है जी मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी क्लास, किसी वालेकुम और को मैम। कोई क्वेश्चन? जी वालेकुम अस्सलाम। मैम आपसे क्विज के बारे में बात करनी थी, क्या आप इस क्विज का रीटेक ले सकती हैं? नो मैम हमें क्विज करने के लिए मैम, सिर्फ 10 मिनट्स मिले थे, 9 मिनट्स बल्कि। आप यस सब मैम, तो जल्दी और कर सकती उतनी हैं। देर मैम को हमें बोला भी पूरा लगता टाइम पे है नहीं था। कि एक कोर्स ले लें और इन दोनों में से फिर एक सिलेक्ट कर लें, क्योंकि मैम इसमें बहुत से एमसीक्यूज भी हमारे हमारे यस मैम, टाइम भी कम था और ऊपर से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे ना। बेटा टाइम टाइम कम नहीं था, ठीक है। जब आप लोग 100 वेट, मैम हर सब टीचर्स आप ने लोग जो 100 MC 1 मिनट तो एक होना चाहिए ना एक क्वेश्चन के लिए। मिनट एक मिनट सब पहले बच्चे, क्यों तो 1 मिनट यस दे मैम, रहे आप थे? एक यस मैम, टाइम बहुत ज्यादा कम था। एक मिनट मैम से बात कर लेने दो पहले। एक्सक्यूज मी मैम, हमारे बेटा क्विज मैं में इशू क्लास, ये आया था कि हमें आपने कहा था कि 12 मिनट्स होंगे 15 MCQs के, लेकिन जब हमने क्विज ओपन किया तो 1 मिनट डिले भी ओपन हुआ, और हमें वहाँ पे बल्कि सबकी इवन के पोर्टल पे मेंशन भी है कि हमें 9 मिनट से एक्सीड नहीं मिले। 15 MCQs के लिए 9 मिनट बहुत कम है। इवन के हम सिनेरियो भी करते हैं तो हमें एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए भी टाइम लगता है, और आपने वो बैक वाला भी ऑप्शन बंद किया हुआ था कि अगर तो हम फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैम सबके MCQs ही चेंज थे तो चीटिंग का तो कोई चांस था ही नहीं उधर, कि हम ये कह लें ना कि हमने चीट ना करने के लिए इस तरह की है। अब हम एक MCQs पे सोचते भी हैं तो
यकीन करें आगे एमसीक्यूज हमारे 8-8 6 रहते थे और हमारे पास टाइम था सिर्फ 1 मिनट, और यकीन करें उसके स्टेटमेंट तक करने का टाइम नहीं था हमारे पास। का इशू नहीं है, जब आप लोगों को 100 एमसीक्यूज हम दे रहे थे तो हम आपको 90 मिनट से कम टाइम देते हैं, 80-85 मिनट, ठीक है, टाइम का इशू नहीं होता। मैं भी यही होता हमारे पास कि हम लोग जो थे आगे चले जाते थे, गूगल साथ पे कहीं पे भी आप ऑनलाइन सर्च करके सब आंसर्स मिल जाते हैं, मैम। ये वाली टेक्निक हमसे तो होती नहीं है गूगल वाली, कि अगर हमें कहा जाए कि हम गूगल करते हैं या तो हमें प्रूफ दें कि हम गूगल करते हैं, मैम हमारा तो आंसर मैम या तो फिर नेविगेशन ऑन होना, ताकि अगर हमें एक एमसीक्यू नहीं आ रहा तो हम अगले पे चले जाएं और फिर एंड पे वो पढ़ने जो नहीं आ रहा। मैम अब तो यूनिवर्सिटीज भी खुल गई है, इनको चाहिए कि यूनिवर्सिटीज में ले ले, हम इतना ख्वार होते हैं, हम हर चीज पढ़ते भी है लेकिन टाइम नहीं पूरा मिलता हमें, और फिर बाद में समझने में भी टाइम लगता है। आप एक मिनट, वन रीड में आप आंसर नहीं दे सकते, और आपके क्वेश्चंस भी ये थे पिक द ऑड वन जो ट्रू नहीं है, तो हर स्टेटमेंट को एनालाइज करके ही हम लोगों ने एक सेलेक्ट करना था। बेटा आप लोग फर्स्ट टाइम तो कुछ नहीं दे रहे हैं कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। आप मैम आपकी तो स्टेटमेंट्स भी इतनी लंबी लंबी थी कि उनके ऑप्शंस भी इतने सारे थे और इतने लंबे लंबे थे कि पढ़ते हुए भी एक मिनट हमारा वैसे ही कंज्यूम हो जा रहा था। और मैम आपने हमें 12 मिनट कहा था, आपने हमें 10 मिनट दिया, हमें 10 और 12 मैम सही बात है, मैम सही बात है। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, वेट, मैम ये तो हमारा राइट है कि हमें एक एमसीक्यू के लिए एक मिनट तो मिले एटलीस्ट, मैम एटलीस्ट, और ऊपर से कंसेप्ट ने हमें। बच्चे पहले मेरी बात सुने, अगर आप लोगों को कोई ना कोई इशू है एमसीक्यूज में और आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को टाइम कम मिला था, तो जिस जिस स्टूडेंट को इशू है मैं उसका वाइवा लूंगी, ठीक है? Yes, ma'am, आप लोग अपने मुझे ईमेल फॉरवर्ड कर दें, जिस जिस स्टूडेंट को इशू है वो मुझे ईमेल करे कि मेरा वाइवा अपना विद नेम और आईडी, तो मैं उनका वाइवा कंडक्ट कर लूंगी, ठीक है, क्लियर है कि आप लोगों का रीटेक हो जाएगा। हम लोग दे रहे हैं इस तरह, तो फिर अगर हमारे कोई भी इशू है तो हम उसको डिस्कस करें, लेकिन इस तरह तो फिर हमारी सारी असेसमेंट वर्ड होती जाएंगी। हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्योंकि वो स्टेटमेंट भी लंबी थी, दो क्वेश्चंस रखे इसमें, बेटा मैंने आप लोगों को ऑप्शन दे दी है, जो मेरे पास ऑप्शन है आप, मैंने फ्री ऑप्शन दिए सबको फ्री है, ठीक है? आप में से जिस जिसको इशू है कि उनका जो था वो क्विज जो था वो अच्छा नहीं हुआ, टाइम कम था, आप मुझे ईमेल कर दें, मैं उनका वाइवा ले लूंगी। जो आप अगर कोई वाइवा में परफेक्ट ना हो तो हर स्टूडेंट का तो वाइवा परफेक्ट नहीं ना होता कि हर किसी को मतलब कि इंस्टेंट आंसरिंग में प्रॉब्लम होती है, इस तरह वाइवा के लिए भी तो एक 30-30 सेकंड का टाइम ही होता है आपके हर स्टूडेंट पास 1 मिनट का। अब हमें इतनी परेशानी हो रही है मैम, हमें ऑनलाइन स्टडीज में इतना इशू आ रहा है, इवन कि आपने खुद हमें कहा था कि इस तरह पढ़ाया नहीं जाता स्टार्टिंग में, कि इस तरह ना टीचर को पढ़ाने में मजा आता है ना स्टूडेंट के लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैम आपको हमें लगा था कि आप हमें एटलीस्ट अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ आप नहीं बाकी 2-3 और भी टीचर्स हैं, जो इवन के कुछ टीचर्स तो ऐसे जो हमारे लेक्चर तक कंडक्ट नहीं करवा रहे और हमारी सारी असेसमेंट्स ले रहे हैं, सिर्फ ये कह देते हैं यूट्यूब पे पढ़े हैं जाके देखें लेक्चर, इस तरह तो पढ़ाई नहीं होती। आपको अगर मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनाऊँ ना तो वो सर बकायदा कहते हैं कि अगर कोई मेरे पास कंप्लेन इशू आएगा या कुछ भी मेरे मुतालिक बात करेगा तो मैं फेल करूंगा, मेरे पास अभी भी उनकी रिकॉर्डिंग पड़ी है। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी क्विज का इशू है मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है? आप लोग मुझे वाइवा दे दे, इससे ज्यादा फ्री में आप लोग के लिए क्या कर सकती हूँ, ठीक है? मैं आपसे कम्प्रोमाइज कर रही हूँ, आप लोगों को क्विज में इशू है, जिस जिस स्टूडेंट को लगता है कि सब कुछ अच्छा नहीं हुआ वो मुझे अपना नेम आईडी और सेक्शन जो है वो फॉरवर्ड कर दे, मैं उसका वाइवा ले लूंगी। मैम वाइवा स्टूडेंट नहीं दे सकते हैं परफेक्ट, तो इसलिए आप अगर दे सकते हैं असेसमेंट सब दे सकते हैं वाइवा सब दे सकते हैं। मैम देखिए सवाल है क्वेश्चन तो वाइवा आप कैसे ले सकते हैं? मैम सारी असेसमेंट हमने वाइवा की सूरत में तो नहीं देनी। देखिए हम सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैम प्लीज एक मिनट मैम हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप हमारा एटलीस्ट एक और क्विज कंडक्ट करवा लें। हम आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यकीन करें मैम हम किसी टीचर से इस तरह नहीं करते, लेकिन हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमारी
सिर्फ सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लें कि मैम इवन कि 105 की क्लास आप हैंड रेस करवा सकती हैं, कितने बच्चों को इशू आया है इस चीज़ में, फिर मैम हमारी एक और क्विज अटेंड करवा लें हमसे, तो आपकी क्या मर्जी है। प्लीज अब मेरी बात सुन लें, लास्ट टाइम मैं बात कर रही हूँ, इसके बाद मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, लेक्चर स्टार्ट कर दूंगी। आप लोगों के लिए इजी करने के लिए यही मैंने ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास भी और बहुत से काम है। तो आप लोगों को जिसको इशू है, ठीक है, कोई वाइवा को इतना टफ नहीं होगा कि आपसे इतना टफ को क्लियर लिया जाएगा, वाइवा में भी आपसे 4 to 5 क्वेश्चन या 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे, तो आप वाइवा लेकिन जिसको इशू है बस मैं ठीक है आप वाइवा ले लें, आप वाइवा ले लें, लेकिन फिर हमें इस तरह ये 2 वीक्स हमारे बिजी हैं, क्योंकि इस 2 वीक्स में हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स के भी क्विज हैं, उसके बाद आप फिर कंडक्ट करवा लें वाइवा हमारा। नहीं बेटा इतना लेट तो मैं नहीं कंडक्ट करूंगी, फिर मैम 10 के बाद ले लें, क्योंकि एक क्विज और कंडक्ट करवा लें हमारा काइंडली, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बेटा मैंने आपको ऑप्शन दे दी, जिस जिस स्टूडेंट को इशू है वो मुझे इस वीक में ईमेल कर दे, नेक्स्ट मंडे को उसका वाइवा हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से आप लोग और बच्चों एक और चीज, एक और बात, जो बच्चे वाइवा देंगे उनके जो मार्क्स वाइवा में होंगे मैं वही उनके मार्क करूंगी, ठीक है, उनके फिर क्विज के मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्लियर है। उसके बाद मुझे कोई स्टूडेंट इसमें ईमेल नहीं करेगा कि जो मेरे क्विज में मार्क्स हैं वो अपलोड कर दें, जो बच्चे रीटेक में मुझे वाइवा देंगे उनके वाइवा के मार्क्स ही मैं अपलोड करूंगी, उनके क्विज के मार्क्स में अपलोड नहीं करूंगी जो उन्होंने रिटर्न में दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए जिस जिस को स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है उस वो मुझे ईमेल कर दे विद अपना जो नेम और आईडी और सेक्शन, ठीक है, क्लियर है मैम। ठीक है, लेकिन अगर आप दीजिएगा, इस बार बहुत कम टाइम था, क्या कहा आपने मैम, इसका तो चले आप वाइवा में ले, लेकिन अगर नेक्स्ट कोई असेसमेंट होती है तो मैम प्लीज हमें टाइम दे दीजिएगा, इस पर टाइम बहुत कम था हमारे पास। जो टाइम जो होगा वो नेक्स्ट असेसमेंट के एमसीक्यू पे बेस करेगा कि या उस पे असेसमेंट कौन सी है, सिनेरियो बेस्ड है, जस्ट सिनेरियो है, ठीक है, ठीक है मैम। टाइम थोड़े में हमारा करा था। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल वायरसेस को, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरियल वायरसेस, बेसिकली बैक्टीरियल वायरसेस आर द बैक्टीरियोफेजेस, आल्सो नोन एज फेजेस और वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो कहाँ से आए, ग्रीक वर्ड फेजिन्स है, इट्स मीन ईट और डिवोर, ठीक है। तो दोज वायरसेस विच ईट द बैक्टीरिया, ठीक है, और उसको इन्फेक्ट कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया कुछ अजान और ये 2 मिनट वेट करें।
had 1 minute for each. अच्छा जी स्टार्ट करते हैं लेक्चर. अच्छा इससे कंपोनेंट्स जो होते हैं बैक्टीरियोफेज के ऑब्वियसली इसमें प्रोटीन्स आ जाएंगे क्योंकि बैक्टीरिया के भी प्रोटीन कोट है, वायरसेस का भी तो प्रोटीन कोट है, न्यूक्लिक एसिड है विच इज इनर कोर दैट इंक्लूड्स एट द डीएनए और द आरएनए. ठीक है फेजेस आल्सो वेरी इन स्ट्रक्चर रेंज फ्रॉम द सिंपल टू मोर इलेबोरेट एंड द कॉम्प्लेक्स. बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. नाउ क्विस्ट्री ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस बेसिकली हाँ इनको हम ये कहते हैं कि जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं टी इवन फेजेस होते हैं. ठीक है इनको कंपोज्ड किससे होते हैं डीएनए से. 40% वेट इसमें डीएनए होता है और 50% जो 60% जो होती है रिमेनिंग क्या होंगे इसमें प्रोटीन्स आ जाती हैं. डीएनए प्रेजेंट विद इन द हेड हेड मेम्ब्रेन शीट एंड टेल फाइबर्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स वाइल इन बैक्टीरियोफेज MS2 द जेनेटिक मटीरियल इज आरएनए इंस्टेड ऑफ द डीएनए. ठीक है एक्सेप्शनल जो है बेसिकली इसमें क्या है MS2 है जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो क्या होगा आरएनए का होगा उसमें डीएनए नहीं होगा. ठीक है वाइल इसमें जो कंपोनेंट्स जो होते हैं 40% इसमें क्या होगा वेट जो डीएनए का होता है और रिमेनिंग 60% क्या होंगे इसमें प्रोटीन्स आ जाती है. ठीक है दिस इज अ केमिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोफेजेस. नाउ हिस्ट्री है बेसिकली जस्ट ऐड किया गया है थोड़ा सा आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि 1890s में इनको ऑब्जर्व किया गया था अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंसेस के तौर पे क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज थे कि उनकी एक्टिविटी जो होती है वो लिमिटेड होती है क्योंकि ऑब्वियसली अगर वायरस उसको इन्फेक्ट कर रहा है तो उसकी एक्टिविटीज या उसकी जो वो क्या होगी लिमिट कम हो जाएगी. ठीक है तो सम जब उस पर डिफरेंट स्टडीज की गई तो देन इस फिनोमिनन को हमने एक नया नेम भी हमने कह दिया कि दिस इज क्या कि बैक्टीरियोफेजेस हैं कि वो बैक्टीरिया जिनको वायरसेस क्या करते हैं इन्फेक्ट कर देते हैं. इसके ऊपर जो मेन काम किया गया वर्ट्स वर्क है फ्रेडरिक वर्ट ने कहा कि जो इंग्लैंड में 1915 में के बैक्टीरिया जो है वो कोई अननोन एजेंट जो कोई ऐसे एजेंट्स हैं कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं किलिंग कर रहे हैं. ठीक है उसने देन इस पर डिफरेंट स्टडीज करके ये ऑब्जर्व किया मे बी इट इज द वायरसेस. ठीक है तो इसीलिए इसके वर्क के बाद जब इस पर डिफरेंट स्टडीज की गई तो फ्लेक्सर हेल्डर वर्क ने ये बताया कि जो इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स हैं ये बेसिकली क्या है ये वायरसेस हैं. तो उसने इसको नेम दे दिया किसका बैक्टीरियोफेज है और इसको हम क्या कहते हैं बैक्टीरिया ईटर क्योंकि बैक्टीरिया को ये ईट कर लेते हैं उसको खा जाते हैं. ठीक है नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस आर टेम्परेट फेज विरुलेंट फेज ओलिटिक फेज क्रॉनिक फेज. और ठीक है तो ये क्या है इसके तीन फेज और प्रोफेज फोर फेजेस हैं इसके टेम्परेट फेज है विरुलेंट ओलिटिक फेज है देन क्रॉनिक है एंड एट द एंड इज प्रोफेज. ठीक है टेम्परेट बेसिकली वो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो कि डिस्प्ले करते हैं लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को. ठीक है उनका क्या होगा लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है मींस के क्या कहते हैं लाइसिस जो होती है बहुत कम होती है. इसके टू इफेक्ट्स हो सकते हैं ये विरुलेंट भी हो सकते हैं क्योंकि ये होस्ट सेल की क्या कर देते हैं लाइसिस कर देते हैं. ठीक है मींस के जो वायरसेस जो अगर वो इन्फेक्ट करे बैक्टीरिया को तो उसकी लाइसिस नहीं करता बट व्हेन जो बैक्टीरिया फेजेस होते हैं वो होस्ट में एंटर हो जाते हैं तो वहां पर उसे क्या कहते हैं लाइसिस कर देते हैं. ठीक है इसकी एग्जांपल जो है वो है कोलीफेज लैम्डा है. ठीक है तो टेम्परेट फेज बेसिकली मोस्ट सम बैक्टीरिया फेजेस दे आर डिस्प्ले द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल. नाउ विरुलेंट ओलिटिक फेज बेसिकली इट डिस्ट्रक्ट द होस्ट बैक्टीरियम बाय द लाइसिस. ठीक है ये होस्ट के जो बैक्टीरियम है जब जो बैक्टीरिया उसे ये क्या कर देते हैं लाइसिस कर देते हैं. टी इवन फेजेस कैन बी सेड इट्स आर द विरुलेंट ओलिटिक फेजेस इन द कैटास्ट्रोफिक लाइसिस दैट रिलीज मैनी विरियन. ठीक है कि वो डिफरेंट जब वायरस जो होता है बैक्टीरिया के अंदर अपनी रिप्रोडक्शन करता है उसको प्रोड्यूस करता है अपनी मल्टीपल कॉपीज ऑफ विरियन बनाता है तो देन वो क्या करता है उसकी बैक्टीरिया की किलिंग वहां पे कर देता है. ठीक है तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो टी इवन फेजेस आते हैं और दीज आर द विरुलेंट ओलिटिक फेजेस. क्रॉनिक फेजेस मोस्टली रिक्वायर द टाइम. ठीक है एप्लीकेट स्लोली एंड रिलीज विदाउट किलिंग द होस्ट सेल. ठीक है तो ये होस्ट को किल नहीं करते हैं होस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन बाय द अदर फेज. ठीक है तो क्योंकि क्रॉनिक क्या होता है उसको सम रिक्वायर सम टाइम टू रिड्यूस द ठीक है सिम्टम्स. क्लियर तो बेसिकली क्या करेंगे जो होस्ट जो बैक्टीरिया उसको ये अदर फेजेस से क्या करते हैं प्रोटेक्ट कर देते हैं. प्रोफेजेस बेसिकली इंटीग्रेट करते हैं अपने जीनोम को होस्ट के जीनोम में और ये बैक्टीरियल होस्ट होता है उसको वो
उसको पिल कर देते हैं, उसको ईट कर लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया है, टेम्परेट फेज है, लिटिक फेज है, और विरुलेंट फेज है, देन क्रॉनिक फेज है, और एट द एंड हमारे पास क्या है, प्रोफेज है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। मैम एक और चीज, ये जो क्रोनिक वो होता है, क्रोनिक फेजेस होते हैं, इनके बीच में हमने बताया कि टाइम रिक्वायर होता है और प्रोटेक्ट करते हैं अदर फेजेस से, तो ये जो एक दफा एक वायरस बैक्टीरिया के बीच में होता है बैक्टीरियो फेज, तो वो दूसरे वायरसेस को एंटर नहीं होने देता? नहीं। ठीक है, थैंक यू। डिपेंड करेगा कौन सा वायरस उसको इन्फेक्ट कर रहा है, अगर वो सॉलिड रेप्लिकेट कर रहा है तो फिर, अगर या फिर उसकी वो रेप्लिकेशन टाइम उसका जो है वो फास्ट है तो उसमें वो जल्दी से, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा बच्चों, कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन है, व्हाट इज लिटिक साइकिल, व्हाट इज लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है, और बाद में कुछ बैक्टीरियोफेजेस हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स है, वो हम बात डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन आल्सो कॉल्ड MOI, ठीक है, ये रेशियो होती है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्टेड द टारगेट सेल, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी में वो जो एजेंट है, वो फेज या वायरस या बैक्टीरिया, वो टारगेट होस्ट या सेल को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन कह सकते हैं। द लिटिक साइकिल बेसिकली इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड सेल एंड द मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑब्वियसली लिटिक लाइसिस देंगे, जो भी बैक्टीरिया फेज होगा या वायरस है या बैक्टीरिया, उसे क्या कर देगा, लाइसिस कर देगा। लाइसोजेनिक साइकिल ऑल्सो कॉल्ड द लाइसोजेनिक, बेसिकली इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ बैक्टीरियल bacteriophage nucleic acid into the host bacterium genome or formation of the circular replicon in the bacterium cytoplasm, ठीक है, कि means कि जो bacteriophage है वो अपना next एक और bacteria के जो genome में हो तो क्या कर देता है, integrate कर देता है। means कि इसमें क्या है कि virus जो है वो पहले उसने bacteriophage बना लिया और वो bacteriophage एक new host के अंदर क्या कर रहा है, अपने genome को integrate कर रहा है। ठीक है, जब वहां पर उसकी इंटीग्रेशन होगी तो खुद को वहां पर रेप्लिकेट करेगा, कहां पे उसकी रेप्लिकेशन होगी, वो बैक्टीरियम के साइटोप्लाज्म में हो जाएगी। ठीक है, अब फर्दर यहाँ पे हम एक टाइप डिस्कस की गई है जिसे हम कहते हैं मेल स्पेसिफिक पॉलीफेज। ठीक है, बेसिकली ये वो वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं थ्रू द पिलाए। ठीक है, आपको पता है पिलाए क्या होते हैं, स्मॉल अपेंडिजेस होती हैं और स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन होती हैं किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, इनको एक स्पेसिफिक हमने नेम दे दिया MS2, ठीक है, मेल स्पेसिफिक पॉलीफेज टाइप 2 क्यों दे दिया, सेम शेप और साइज के होते हैं एंटेरोवायरसेस की तरह, दे हैव कंटेन्ड अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम एंड सेम ग्रेटर रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल फैक्टर, फॉर एग्जांपल डिसइंफेक्शन एज टू द मोस्ट रेजिस्टेंट एनिमल एंटेरोवायरसेस। ठीक है, कि इन बेसिकली हाईली इनमें रेजिस्टेंट होती है क्योंकि ये क्या करते हैं कि डिसइंफेक्शन कर देते हैं और मोस्टली एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनके साथ इनका लिंक होता है। ठीक है, क्या होते हैं MS2 की फर्दर आगे करेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया। नो सोमेटिक वायरसेस आर दोज वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया बाय द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, MS2 वाले वो पिलाए से इन्फेक्ट करते हैं, वाले जो सोमेटिक वायरसेस आर इन्फेक्ट बाय द सेल मेम्ब्रेन। इन पे डिफरेंट स्टडीज की गई हैं और मोस्टली कहाँ पे जो वेस्ट वाटर होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये मेल कॉलीफेज होते हैं, ऑब्वियसली अगर वो वेस्ट वाटर में होते तो एंटेरिक डिजीजेस जो होते हैं वो कॉज कर सकते हैं। ठीक है, नो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फेजेस। ठीक है, कितनी फैमिलीज हैं इनकी और इनको हम किस किस फैमिली में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा चार्ट देख रहे हैं, इसको याद, ये जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर इनोविरिडाइन दीज आर द प्लेक्टोवायरसेस हैं, ठीक है, देन उनका मेंबर जो है वो एकल प्लाज्मा फेज है, मॉर्फोलॉजी रॉड शेप में है, एनवेलप नन है, और वायरल जीनोम जो सर्कुलर और द SSTN है। ठीक है, इसको आपको सारा याद करने की कितनी जरूरत नहीं है। मैम प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा दें, बहुत ज्यादा मिक्स हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है। क्या समझना है इसमें आपने, बताएं आप। मैम जैसे लाइसोजेनिक फेज थी, लिटिक फेज थी, उससे बाद वाला जो था, मैम वो थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करके समझा दें। बेटा यही पूछ रही हूँ, इसमें क्या समझ नहीं आया बताएं मुझे ना, आपको क्या समझ नहीं आया। मैम जैसे मेल स्पेसिफिक कॉलीफेज है तो वो उसकी वो कैसे जो है वो, मैम नहीं समझ आ रहा, इसलिए पूछ रही हूँ क्या समझ नहीं आया।
आपने इसको सुनना है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो आपको इसमें से क्या पॉइंट मिस होगा आपका? क्या पॉइंट जो आपको इसमें समझ नहीं आ रहा? मैम लाइक एसएच में कोई पॉइंट नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दें, क्योंकि वायरो वैसे ही बहुत मुश्किल है, तो आप प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दें। अब मैं आपको इसमें और क्या बताऊं? बेसिकली ये है कि आप लेक्चर को प्रॉपर सुन नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फर्दर जो इसमें आपको खुद नहीं पता कि आपने पूछना क्या है मेरे से, क्योंकि आपने लेक्चर सुना नहीं है। बेसिकली जो मेल स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस जो होते हैं, इनको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं MS2 के साथ, ठीक है, ये वो वायरसेस होते हैं जो कि बेसिकली बैक्टीरिया को पिलाए के थ्रू जो होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं, और पिलाए का पता ही है कि स्मॉल अपेंडिजेस होते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। फर्दर जो आपको यहाँ पर 3 टिक नजर आ रहे हैं, अब मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ कि उसमें बेसिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया है। जो MS2 वाले जो होते हैं वो सेम शेप और साइज के होते हैं एंटेरोवायरसेस की तरह, इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और ऑब्वियसली एंटेरोवायरसेस जो होती हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है? हीट है, टेम्परेचर है, डिसइंफेक्टेंट है। तो सेम जो होते हैं जो MS2 वाले भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं फॉर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जी, और क्या समझ नहीं आया इसमें? जी, आगे समझ आपको? यस मैम। अच्छा, जी, सोमेटिक वायरसेस जो होते हैं, बेसिकली वायरसेस जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इन्फेक्ट कर देते हैं, और इसमें अगर इसके ऊपर डिफरेंट अगर स्टडीज की गई तो उसमें ये रिप्रेजेंट किया कि वेस्ट वाटर जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो सिमिलैरिटी जो होती है वो मेल कोलीफेज के साथ होती है, दैट लेटर मोर ऑफ इंटरेस्ट एज इंडिकेटर फॉर द प्रेजेंस ऑफ द एनिमल वायरस, ठीक है। और बेसिकली एनिमल वायरसेस जो मेल होते हैं प्रेजेंस होते हैं, और इसी तरह अगर इंटेरिक वायरसेस हैं, क्योंकि अगर ये वेस्ट वाटर में है तो इंटेरिक डिजीज होती है, डायरिया है, वोमिटिंग है, तो ये वो कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो क्लासिफिकेशन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जो पीछे पड़ा उसको आप लोगों को रिवाइज करवा देते हैं। जी, एमन नसीर ओके, मींस शी इज एब्सेंट इन द क्लास, ठीक है, क्लियर है? अक्सा महमूद बच्चों, मैं जिनके नेम रिकॉल कर रही हूँ वो मुझे आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एब्सेंट मार्क होगी आज, क्लियर है? अक्सा महमूद जी, अक्सा जी, आप ये बताएं कि लाइसोजेनिक साइकिल क्या था? मैंने भी एक्सप्लेन किया, व्हाट इज लाइसोजेनिक साइकिल? अक्सा किंजा गुल यस मैम जी, लाइसोजेनिक साइकिल क्या है बच्चे? बच्चों, आप लोगों को पढ़ाने का कोई फायदा है वैसे? जब आप लोगों ने लेक्चर ही नहीं सुनना है और आप लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हैं तो क्या फायदा है ऐसे लेक्चर का? तो मच बेटर कि मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दूंगी सबकी, लेक्चर आप लोगों को ईमेल कर देती हूँ, आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ठीक है बच्चों, क्लियर है?
ऐसे कर लेते हैं ठीक है. आप लोगों को लेक्चर की ईमेल आ जाएगी और आप लोगों के अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी, तो आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा और आप लोगों के सीपी में मार्क्स सबके जीरो लगेंगे. नो मैम. जी यस मैम. मैम कुछ लोगों की वजह से आप सबको तो ऐसे ना करें. कुछ में बच्चे मैक्सिमम बच्चे आते हैं. आप लोगों के साथ वो टीचर्स बिल्कुल ठीक करते हैं जो आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ाते हैं और आप लोगों को जस्ट रिकॉर्डिंग सेंड कर देते हैं या लेक्चर्स अपलोड कर देते हैं. आप लोग इसके काबिल हैं. मैम अब आप ऐसे तो ना बोले ना. जी ऐसे ही है बेटा, आप लोगों के साथ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए. मैम मैं समझा देता हूँ लाइसोजेनिक साइकिल. मैंने आपसे पूछा ही नहीं है. मुझे पता है कौन से मुझे लेक्चर सुन रहे हैं और जिनसे मैं जिनको मुझे पूछना और जिनसे मैंने नहीं पूछना. मैम तो हमारे सीपी के मार्क्स तो खराब ना करें ना. अच्छा बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, जल्दी से लेक्चर को वाइंड अप करते हैं क्योंकि कोई फायदा नहीं थी डिटेल में पढ़ाने का, तो खुद ही पढ़ लीजिएगा. Fijis are classified by the International Committee, basically ICTV, International Committee on Taxonomy of Viruses. They so classify kiya hai. Agar hum is pe baat kare is classification ki, it depend mostly on the morphology and the nucleic acid genome at this RNA or DNA. Okay, 19 families are currently recognized by the ICTV, that is in fact bacteria and the archaea. ठीक है, उसमें से इसको हमने डिफरेंटली डिवाइड कर दिए कितनी फैमिलीज जो है वो जीनोम को में से है, कौन सी इनवेलप वाली है, कौन सी जो है उनमें आरएनए जीनोम आता है और कौन सी फैमिलीज जो है वो जस्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल जस्ट ओनली टू फैमिलीज जो होती हैं उनमें आरएनए जीनोम होगा, फाइव जो होती हैं वो क्या होती हैं इनवेलप्ड होती हैं. डीएनए जीनोम जो होता है उसमें टू सिंगल स्ट्रैंड जीनोम्स आ जाते हैं. एट वायरल फैमिलीज होती हैं उनमें सर्कुलर होगा. ठीक है, हमने बात की कि टू फैमिलीज जो होती हैं वो इनवेलप्ड होती हैं, टू जो होती हैं वो आरएनए. अब जो टू फैमिलीज जो जिनमें सिंगल स्ट्रैंड थोड़ा सा अंदर शेड है ना तुम्हारे पे. हां मैं आपको बोला था हम जगह नाइन फैमिलीज होती है इनफेक्ट करती है बैक्टीरिया को और नाइन वन जो होती है वो बैक्टीरिया और ठीक है. इसका स्ट्रक्चर है डिटेल स्ट्रक्चर टी फॉर बैक्टीरियो फेज का और टी फॉर फेज है. मैम निम्रा शर्मा का माइक ऑन है, म्यूट कर. ठीक है, हेड कॉलर टेल और एंड प्लेट और ये आपको ये क्या है सब इसके टेल फाइबर्स हैं. ठीक है, ये बच्चों डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी बैक्टीरियोफेजेस की, बेसिकली डिपेंड ऑन द साइज एंड द मॉर्फोलॉजी. ठीक है, ये पी टू है, ये माइक्रोविड है, ये पी टू है. ठीक है, देन ये माइक्रोमिस जो है वन इसको डिफरेंट नेम देती है, P174 स्टाइलो है, पी टू विड है, ये T7 फेज कॉर्टिको है, टेक्टी है. ठीक है, ये सब क्या है इनको कुछ जो डी एन ए वाले हैं वो साइटोविड है, ये MS2 जो है SSRNA इसमें होगा. क्लियर, ये कई डिफरेंट टाइप्स हैं बैक्टीरियोफेजेस की. Yes, ma'am. और मैं आप लोग इस लिंक पे जाके आप लोग फर्दर इसको स्टडी भी कर सकते हैं कि बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन और एक क्विज वहाँ पे शॉर्ट टाइप आप उसको देख सकते हैं. ठीक है, इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं जो हमने पीछे डिस्कस किया कि हमने देखा है कि इसके स्ट्रक्चर में हमें हेड है, टेल है, कॉलर है और साथ में क्या है इसके टेल फाइबर्स है. ठीक है, तो वन बाय वन थोड़ा सा उसको देख लेते हैं. सबसे पहले कॉलीफेजेस जो होते हैं, कॉलीफेजेस T1 होते हैं, T2, T4, T6 फेज होते हैं जो अटैक करते हैं किसको, ई कोलाई को. ठीक है, जो कॉलीफेजेस है बेसिकली ये बैक्टीरियल वायरसेस की प्रोटोटाइप एक एग्जांपल है और इसमें जो टेटपोल शेप के होते हैं और साथ में हेड होता है और साथ में टेल होती है. ठीक है, हेड मोस्टली जो होगा वो हेक्सागोनल शेप में होगा, उसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा, साथ में प्रोटीन कैप्सिड है और इनका डायमीटर जो होगा 65 से लेकर नैनोमीटर होता है और लॉन्ग लेंथ कितनी होती है वो 100 नैनोमीटर होती है. ठीक है, क्लियर है. ये क्या होते हैं, ये टेटपोल शेप्ड होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, DSDNA इसमें और बेसिकली डायमीटर जो होता है वो 65 नैनोमीटर होगा इसका. टेल इज इन द फॉर्म ऑफ द स्फेरिकल शेप और बेसिकली कंपोज्ड ऑफ द सेंट्रल होलो कोर ट्यूब. ठीक है, अब वो बेसिकली क्या होती है, वो सेंट्रल होलो ट्यूब से बनी होती है, साथ में क्या होती है डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टाइल जो होती है प्रोटीन्स होती हैं. ठीक है, जो बेस प्लेट जो होती है उसमें 6 नंबर्स में होती हैं और इसमें शॉर्ट पिन और स्पाइक लाइक प्रोजेक्शंस भी हो सकती हैं.
T4 की टेल की जो लेंथ होती है वो 100 नैनोमीटर होती है और डायमीटर जो होता है वो कितना होगा, वो 25 नैनोमीटर आ जाता है। अब आगे है कुछ डिफरेंट जो हमने देखा है कि जो इम्पोर्टेंट प्रोफेजेस बैक्टीरियोफेजेस हैं, T4 है, P1 है, M13 है, ये दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैक्टीरियोफेजेस। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फेजेस, ठीक है। T4 P1 कंटेन द लीनियर dsDNA जीनोम बेसिकली इनक्लोज्ड इन कैप्सूल अटैच्ड टू द टेल, ठीक है। इनका ऑब्वियसली इनका जीनोम जो होगा उसका साइज बताया कि 132 KB में होता है, वाइल द जीनोम ऑफ द P1 इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द T4, और वो कितना है, वो 90 KB है, ठीक है। T4 कैप्सूल जो होगा वो आइकोसाहेड्रल होता है और इलास्टिक टेल स्ट्रक्चर जो होगा वो कॉलर के साथ अटैच होता है और देन उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल शीट्स आ जाती हैं, हेक्सागोनल बेस प्लेट होगा और इसके साथ 6 टेल फाइबर्स होते हैं वो अटैच होते हैं। P1 इज एन आइकोसाहेड्रल कैप्सिड, बेसिकली इट आल्सो हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल शीट, बेस प्लेट एंड अ टेल फाइबर्स। जस्ट डिफरेंस यहाँ पे है कि इसका जो जीनोम है वो कितना 48.5 KB का, ठीक है, क्लियर है। M13 फेज जो है इसमें सर्कुलर सिंगल इंडिसेंट DNA होता है और इसका जीनोम जो होता है उसमें 6407 का होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इसको हम also known as the filamentous phase, ठीक है। While the P1 phase जो है इसकी जो shape जो होती है वो hexahedral होती है, लेकिन tail जो होती है वो thin और flexible tube होती है, ठीक है, और उसके end पे जो होता है वो conical part होता है, उसमें single tail fiber होता है। While जो T4 जो था उसमें हमने कहा था कितने होते हैं, 6 tail fibers उसमें आ जाते हैं। अच्छा, ये structure का comparison है further T4 का, ठीक है। देन हमारे पास ये है लैम्डा जिसको हम पी भी कहते हैं, और ये हमारे पास क्या है, M13 फेज, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फिगर में शो भी आपको दिखा रहे हैं, इसका कैप्सिड है, कॉलर कॉर्ड कॉन्ट्रैक्टाइल शीट है, देन टेल प्लेट है और टेल पिन्स, और इसके क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 दीज आर द टेल फाइबर्स, ठीक है। पी जो है P13 इंक्लूड्स कैप्सिड सिंगल टेल, ठीक है, टेल ओनली 1 टेल फाइबर्स इंक्लूड, और इसके क्या है कॉनिकल पार्ट्स हैं। वाइल जो बच्चों M13 जो है इसके ऊपर डिफरेंट जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, GP6 है, GP8 है, GP7 है, GP9 है, GP3 है, दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंड इसमें क्या होता है DNA आ जाता है, क्लियर। तो ये सबके इनका डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द मॉर्फोलॉजी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। यस मैम। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस और on which basis we can classify these bacteria? मैम आगे नहीं हुई स्लाइड, मैंने स्लाइड आगे की नहीं है क्योंकि लेक्चर आप लोगों का एंड हो गया। अच्छा, आगे बच्चे एमसीक्यूज हैं। बैक्टीरियोफेजेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज वर डिस्कवर्ड बाय वॉर्ट वॉर्ट द जीनोम ऑफ बैक्टीरियोफेज कैन बी M12. Bacteriophage undergo replication by lytic and lysogenic cycle. Okay. ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू आपका भी मैम। आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू मैम। कोई इशू हो तो उसको हम वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। Okay, okay, ma'am. Allah.